उमरिया जिले के भरतपुर विधायक गुलाब कमरो ने जन चौपाल लगाया। विधायक पहुंचीन तुनहर द्वार के तहत गांव-गांव पहुंच रहे हैं, साथ ही धुआंधार भूमि पूजन कर ग्रामीणों को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो इन दिनों वनांचल क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में गांव-गांव पहुंचकर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या सुनकर निराकरण कर रहे हैं, साथ ही कई जगहों पर भूमि पूजन व लोकार्पण कर विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान विधायक के साथ जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के उपाध्यक्ष राजेश साहू ने साथ में ही ग्रामीण जनपद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वही ग्राम पंचायत डॉक्टर हसवली में 20,000 की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विधायक कमरो ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता की सरकार है, विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं होनी जाएगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार एक एक करके सभी अपने वादों को पूरा कर रही है। मंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि लगातार भरतपुर विधानसभा के लिए उन्होंने काफ़ी सौगात दिया है। जब जब हमने मांगा था उन्होंने घोषणा मत से लगातार स्वीकृति दिलाई है। चाहे तारा बहरा की बात करें तो, कछौड़ की बात करें तो, और विभिन्न ग्राम पंचायतों की बात करें तो लगातार विकास के लिए कोई भी पैसे की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति दिलाई है, उसके लिए क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। काफ़ी लोग कांग्रेस प्रवेश किए हैं, क्या कहें इसके लिए? श्रेय सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद लगातार क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने विकास की जो सौगात दी है, चाहे नया ग्राम पंचायत बनाने की बात करें तो, चाहे जिला बनाने की बात करें तो, चाहे केलहारी में तहसील की बात हो, चाहे SDM की बात हो, चाहे गांव-गांव में सड़क निर्माण की बात हो, चाहे गांव-गांव में CC रोड की निर्माण की बात हो, चाहे हर हाट बाज़ार में हाट बाज़ारों की स्वीकृति हो, लगातार विकास की गंगा बह रही है। इससे प्रभावित होकर लगातार आपने देखा होगा कुछ दिनों से कई सरपंचों ने प्रवेश किया। आज यहाँ के कछौड़ के हमारी सरपंच हैं, तारा बहरा के सरपंच हैं, शिवगढ़ के भी सरपंच आए हैं, तो लगातार कांग्रेस पर इनका विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो लगातार धरातल में काम कर रही है। जिन लोगों कार्य का तो पहले कोई नाम ही नहीं था, भूमि पूजन की बात ही छोड़ दीजिए, कार्य का कोई सेंक्शन का तो नाम ही नहीं था कि आपको यहाँ पे कोई काम आने वाला है। हम लोगों ने तो कई पंचायतों में दूर दूर तक सुना ही नहीं। जब से महोदय जी आए हैं और माननीय भूपेश बघेल जी की हमारी सरकार जो आई है, हर गांव में एक एक दो दो भूमि पूजन होता है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां 8 लाख का स्वीकृति और आने वाले 2-4 दिन में 50 लाख की स्वीकृति का महोदय ने आश्वासन दे के जा रहे हैं, और आज एक 8 लाख की भूमि CC सड़क भूमि पूजन किया है। हमें बहुत खुशी है और हमें उम्मीद है हमारे लिए सरकार इसी तरह प्रयासरत रहेगी और हम उनका सहयोग करते रहेंगे।